हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में और लेकर के आ गए बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो। कि आप जानते हैं कि कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सेनाध्यक्ष कौन थे? यदि नहीं तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया था। तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। अब वही हम बात करेंगे कि कारगिल युद्ध के समय भारत के सेनाध्यक्ष कौन थे? तो वेद प्रकाश मलिक। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे वेद प्रकाश मलिक। इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि कारगिल युद्ध के समय थल सेना प्रमुख, या फिर कह सकते हैं जनरल, या फिर कह सकते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो वेद प्रकाश मलिक, जो कि 39वें थल सेना प्रमुख थे। तो पूरा उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।